रहबरे राहे मोहब्बत रहने जाए राह में, रहबरे राहे मोहब्बत रहने जाए राह में, एक मिट जाने की हसरत दिले बिस्मिल में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चेतना न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त पुराना अशोक गुराना कोरमरिया। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस आज़ादी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से खुशियां मनाई जा रही है। कहीं सांस्कृतिक प्रोग्राम, कहीं मिठाइयां बांटकर, तो कहीं ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जा रहे हैं। आज हम गांव गुराना की पावन धरा पर हैं और यहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संगठन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जैसे कि आप पीछे वैन देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो रक्तदान किया जा रहा है आज के दिन खुशी में, ये भारतीय सेना के लिए किया जा रहा है। जो सैनिक बॉर्डर पर लड़ते हैं उनके लिए किया जा रहा है। तो आप देखेंगे, पीछे मैं कैमरा पर्सन करना चाहूँगा कि वह दिखाएं, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोवा से आए हैं और हम बात करेंगे अंदर चल करके कितना रक्तदान अभी तक हुआ है और कितना होने की संभावना है। आइए चलते हैं अंदर, धीरे धीरे कैमरा पर्सन धीरे धीरे आए, एक बार दिखाएं कि अंदर के जूम कर लेना थोड़ा अंदर जा करके ताकि पता चले। आ जाए ये इस प्रकार से आयोजित किया गया है। आइए है, हम आपको जाते हैं इधर से, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। रक्तदान की भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। पहले यहाँ फॉर्म अप्लाई होता है, टेस्ट होते हैं, उसके बाद आइए बात करते हैं। बैठे हुए हैं अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के कुछ अधिकारी। आपका नाम है? मेरा नाम दीपांशी जी। कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं? अभी तक पता नहीं, वो वहाँ से पता चलेंगे। आप यहाँ क्या करते हो? आप यहाँ तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अच्छा, यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। ये प्रक्रिया इस प्रकार है। आइए हम वहीं से चलते हैं। स्टार्टिंग होती है, आइए। नमस्कार, शुभ नाम क्या? देख सकते, ये आप देख सकते हैं, हाँ, डॉक्टर अजय कुमार कोछड़, इंचार्ज ब्लड बैंक महाराजा अग्रसेन मेडिकल जी। तो कितना आप कितनी संभावना, कितना ब्लड डोनेट हो सकता है यहाँ पर? देखो, अभी तक तो 30 आ गए हैं और अभी भी डोनर आ रहे हैं, तो संभावना यही है कि जो अपना टारगेट है 80 से लेके 100 तक पूरा हो पाए, उम्मीद करते हैं। कुछ अभी भ्रांतियाँ हैं समाज में कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, इस प्रकार की, तो डरे रहते हैं, सभी प्रेरित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों जो ब्लड डोनेशन करने के लिए नहीं आ रहे? मतलब लगता है कि शरीर में कमी, पहले जहां हमने देखा है, पहले तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जागृति संगठन द्वारा जो कैंप लगाया गया जी पुराना लेन, हाँ जी, आप जो नई आने वाली बात है वो अब बदल चुकी है। अब लोग जो है जागरूक हो चुके हैं, तो इस वजह से अब मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब हिस्सा लेने लग गए ब्लड देने में। लेकिन इसका फ़ायदा है, कोई भी ब्लड डोनेट करता है उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसका क्या फ़ायदा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जब वो ब्लड डोनेट करेंगे जी, इनके सारे टेस्ट किए जाएंगे, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, VDRL, उनमें से कोई भी त्रुटियाँ आती हैं, हाँ जी, जो डोनर को पता नहीं होता कि भी मुझे उसको ये दिक्कत है जी, वो पकड़ी जाती हैं और उनको दोबारा बुलाया जाता है, दोबारा टेस्ट किया जाता है जी। तो उनके जो भी टेस्ट में जो रिएक्टिव आया या
ठीक रिपोर्ट नहीं आई तो उसका फर्दर इलाज कराने के लिए उसको गाइड किया जाता है, गाइड किया कि तुम वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ, क्योंकि समय पे इलाज होगा उनका और उसमें ही बढ़िया वो आगे ठीक हो पाएंगे। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है और दूसरा खून देते रहना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देने से खून में नुकसान हो, वो तो बड़ी जल्दी पूरा हो जाता है। तो क्या सभी तो सभी मैं तो यही संदेश दूंगा कि जैसे पहले कहते हैं ना कि डॉक्टर है जो मरीजों की जान बचाता है, हाँ भगवान का रूप होता है, कैसा होता है। तो अब डॉक्टर होना ही जरूरी नहीं है मरीज का जान बचाने के लिए, एक डोनर भी अपना ब्लड देके एक बड़े ही सीरियस पेशेंट को बचा सकता है। तो ये जो दान है महान दान है और लोगों को इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने नशे में दी। बात करते हैं मरीज कैसा फील कर रहे हैं। तो बात करते हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान किया है, उनसे बात करते हैं वो कैसा फील कर रहे हैं। अभी लगाया ना इसको, अभी लगा। क्या नाम है? सुनील है सर। सुनील, ये पहली बार कर रहे हो या पहले भी किया कभी? पहली बार दिया सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। कोई वैसे फील नहीं हो रहा चक्कर वगैरह? नो सर नो। तो सपने पर ही दिया के रक्त दे दिया? हाँ जी। कितनी बार दिया रक्त? सातवीं बार दिया जी। इसने क्या नाम था? सोनू जी। सोनू ने सातवीं बार रक्तदान दिया, कोई कमी ना जी? कोई कमी नहीं आई अब तक? ना जी। ये देखो भाई शरीर देखो इसका, अष्टपुष्ट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। रक्तदान देने से किसी प्रकार की रक्त देने से कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ नहीं आती दिक्कत, ये इसने स्पष्ट कर दिया है। हाँ सातवीं बार खून दिया मैंने, इसलिए कोई मेरे दिक्कत नहीं आई है, कुछ भी किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आई। फर्क देना चाहिए? हाँ देना चाहिए बिल्कुल। 3 महीने मंथली होने के बाद जिदे देना चाहिए। 3 महीने होने बाद सोनू ने बताया रख दे सकते हैं। सुमित जी पहली बार दिया? नहीं 10वीं बार है जी। ये सुमित है, ये 10वीं बार रक्तदान कर रहा है, यानी कि इससे पहले 9 बार ये रख दे चुके हैं रक्तदान महादान। 10वीं बार दिया, किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस? नहीं नहीं सर कोई कमजोरी नहीं। अच्छा जी। कितने दिन में रक्तदान करता है? हर छः महीने रक्तदान करता है। और उसका शरीर देखो भाई, ये देखिए, यानी जो भी रख देते हैं उनका शरीर इस प्रकार रहता है, हष्टपुष्ट गठिला, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ हमारे चेयरमैन साहब भी रक्तदान करने के लिए आए। सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ चेतना इसको नमस्कार, देखने वाले को सभी को, और यहाँ चेतना न्यूज़ पढ़ दे, चेतना न्यूज़, हाँ सभी को नमस्कार। हाँ। सभी दर्शकों को बहुत बहुत। तो ऐसा लगे आपको रक्तदान कर दिया आपने? हाँ रक्तदान कर दिया। और दूसरों का रक्त लेने आया है? नहीं सारा से सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा संगठन गुराना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो रक्तदान है वो महादान है और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये थे हमारे चेयरमैन साहब हैं जो सरपंच भावी उम्मीदवार हैं, भावी सरपंच उम्मीदवार, ठीक है। ये रक्त नहीं पिएंगे इसको कह रहे हैं इनको जरूर। नमस्कार जी। नमस्कार आ गए। नाम क्या नाम है? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार। नरेश कुमार कितने यूनिट आ चुके हैं? 30 यूनिट आ। 30 क्या लगता है आपने कितने समय में आई है? 1 घंटे में ये हो गया करीब 10 बजे जी आए हो अपने। क्या उम्मीद करते हैं आप कितने आ गए? 85 हो जाएंगे। 50 हो जाएंगे। कुछ लेडीज भी आए हैं? लड़कियाँ भी? हाँ अच्छा। दिखाई दीजिए सर सिर्फ 10 सेकंड में। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहले नाम बताइए। मेरा नाम रोहतास शर्मा है। बड़ा ही समाजसेवी व्यक्ति है। और क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को बताओ? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन देना एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी पहल है युवाओं के लिए।
ताकि हमारे ब्लड का किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए। दूसरा ब्लड डोनेट करने से क्या कि हम पूरा रिलैक्स एक्टिव फील महसूस करते हैं जी। और दूसरा मैं सभी युवाओं से यही निवेदन करूँगा भी हर साल जब भी मौका मिले ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए ताकि जरूरतमंद को वो ब्लड यूटिलाइज हो उसके लिए। धन्यवाद, थैंक यू। देख लो भाई, 10 सेकंड में इतना बोल गए, पता नहीं 1 मिनट में तो क्या होता है। ये डाइट है, ये उनके लिए है जो रक्तदान करके आते हैं, उनको रिफ्रेशमेंट दी जाती है। ये ज़्यादा खरे, इधर देखो इसके 3 गेड़े थे, 6 खरे उधर, ये देखिए रक्तदान कर दिया गया। कैसा लग गया इधर देख, कैसा लग गया? बहुत बढ़िया लगे। नहीं मैम, हमने रक्तदान नहीं किया, हम नहीं देते। ये देखा लो भाई, कितना दे हो खाने के लिए, क्या देते हो? एक गिलास दूध का, एक गिलास दूध है, दूध का भी है, जूस का भी। आज जूस है? हाँ जी, 2 केड़े। ये दूध है? हाँ, 2 केड़े, यानी कि 1 गिलास दूध, 1 जूस, 2 केड़े। बाद में कितना है खाओ जी, एक बार शुरुआत का यो। हाँ शुरुआत, ये बहुत बढ़िया है, अच्छी अच्छी डाइट दे रहे हैं। ठीक है, कौन है? पहली बात दे रहे जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहली बार दे रहे? हाँ, 3-4 बार दे ली। कैसा लग रहा है? बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं? ना, अच्छा अच्छा ये अच्छी बात है। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने ये भी शब्द लेना चाहिए कि जो दूसरों का खून पी रहे हैं उनके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए। दूसरा खून कौन दूसरे हैं? ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, एक बार बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, दिखाएँ थोड़ा और इधर। ये सेवादार हैं, ये वो सेवादार हैं जो इधर से जूस तैयार करके, फ्रूट तैयार करके आगे अंदर भेज रहे हैं। ये कमेटी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा संघ के सदस्यों की। ठीक है, प्रधान जी आपकी बात सुनी है ना। और हमारे साथ हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा संगठन के प्रधान डॉक्टर कुलदीप सिंह रंगा, इनसे बात करेंगे। तो आपने ये जो कैंप लगा है, ठीक है भाई, ये आपके सदस्यों द्वारा ये आप लगाया, तो इसका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त पर जो ब्लड डोनेशन कैंप अम्बेडकर युवा संगठन समिति द्वारा लगा गया है, इसका एक उद्देश्य है कि ये जो ब्लड डोनेशन है ये देश के जवानों के लिए और देश के हित के लिए हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, ताकि हमारे युवा साथियों द्वारा जो ब्लड डोनेशन दिया गया है वो देश के काम आए। ये तो और दिन भी लग सकता था, जैसे कल भी लग सकता था, आज ही क्यों लगाया गया? आज ही हमने इसलिए लगाया है कि आज का दिन हमारे लिए एक सबसे बड़ा पवित्र दिन है। आज के दिन हमने आज़ादी प्राप्त हुई थी, इस आज़ादी की खुशी में हमने इस ब्लड डोनेशन कैंप को लगाने का उद्देश्य किया जी। प्रधान जी का कहना है कि संदेश जाए, अच्छा संदेश जाए। हाँ, तो जो खून देने के लिए नहीं आ रहे हैं, रक्त देने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी रक्तदान करने आए हो, क्या नाम है? महिलाएँ भी रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको डर तो नहीं लग रहा? ना मन के अंदर डर लग गया। पहले दिया देखो ना, कौन दिया? ये पहले बार रक्तदान करने के लिए आए हैं, डरते नहीं बिल्कुल भी। चलो अंदर देखो, बाद में बात करते हैं। तो एक बात और बताएं, जो देश का खून पी रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे मैं, उन लोगों की, जो आज तो सभी के लिए समान दिवस है वैसे तो, लेकिन उनके प्रति आप क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहता हूँ भाई, देश को खून लगा रखा है जिसने, तो ये कह रहे हैं कि भाई देश का खून पी रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था को परिवर्तन करना होगा, हम सबको जागरूक होना होगा, और जागरूक ही नागरिक ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। और जो देश के युवाओं को भ्रमित करके उनको अलग रास्ते पर डालने का काम करते हैं, उनको सबक नहीं युवा ही सिखा सकते हैं, इसलिए हमने युवाओं को जागरूक करना चाहिए। और जो रक्त देने से डरते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, रक्त महादान है, रक्त देने चाहिए, इसमें डरना नहीं चाहिए। रक्त देने के बाद 2 घंटे के बाद ही शरीर की पूर्ति हो जाती है, और रक्त सबसे बड़ा दान महादान माना गया है, इसलिए हमें दान करते रहना चाहिए। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा संगठन के प्रधान डॉक्टर KS रंगा जी। तो
मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद, बने रहिए हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। हमारे साथ कैंप में हैं संत रविदास कमेटी के प्रधान व गांव के पहलवान श्रेष्ठ कुलदीप सिंह, और हाल ही में भावी सरपंच उम्मीदवार के रूप में भी ताल ठोक चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं वो क्या बताते हैं इस कैंप के बारे में। ये जो कैंप लगाया है क्या उद्देश्य है? कैंप सर ये समाज सेवा के उद्देश्य से लगाया गया है। अपने जो अम्बेडकर युवा सभा के और जितने भी अपने संस्थाएं हैं सभा हैं सारे मिलजुल कर ने इसके अंदर काम कर रही है, और लड़के बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मतलब एक दो साल से तो मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पौधारोपण करना हो, समाज का कोई भी काम उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग। कितने पौधे लगा देते हो आप? सर अब की बार 150 पौधे लगाए हैं, करीब 100 एक बार लगवाए थे और 50 पौधे एक बार। और ये कौन सा ब्लड डोनेशन कैंप है, मतलब इससे पहले लगाया क्या? नहीं सर ये पहला ब्लड डोनेशन कैंप। कितने यूनिट आने की संभावना है? यूनिट करीब 100+ होने की संभावना। 100+ होने की संभावना है। और कोई बड़ा कार्य आपके संगठन के द्वारा, आपकी कमेटी द्वारा जो उठाया गया हो? संगठन समय समय पर अपना जो रविदास सभा है और बाबा साहब का जो अपना संगठन बना रहेगा भी हमारा मेडिकल जागृति मंच है, ये समय समय पर सफाई भी अभियान चलाते रहते हैं। जैसे सफाई के अंदर अपने चारों तरफ गांव की हो, शमशान की हो, कोई भी हो, उसके अंदर ये बढ़ चढ़ के भाग लें और अच्छा तो काम। क्या संदेश देंगे युवाओं को? ये संदेश देंगे देने आए, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े से कोई कमजोरी नहीं आती है, ये एक बैम है। एक स्वस्थ आदमी 50-55 किलो का आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, युवाओं को ये देना चाहिए। अगर आपको सरपंच बना दिया जाए तो आप खून तो नहीं पियोगे गाँव का? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ग्राम ब्लड कैंप लगाने जरूरत नहीं पड़े? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, अगर गांव ने मौका दिया तो अच्छे काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलो समाज का ठीक है, आपने टाइम दिया पहलवान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा संगठन के ये सदस्य हैं, पूरी टीम है जिन्होंने इस कैंप का आयोजन किया है, और समय समय पर जैसी जरूरत होती है ये ऐसा करते रहते हैं, और भी इसके अलावा सामाजिक कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ये सदस्य हैं प्रधान जी के साथ साथ। क्यों प्रधान जी, मतलब इसके अलावा और भी काम करते हो या क्यों ब्लड ब्लड दान करते हैं? और भी काम करते हैं गांव में, हाँ विभिन्न प्रकार की जैसे एजुकेशन के बारे में, सफाई के बारे में, नौजवान युवाओं को मोटिवेशन के बारे में हम ऐसे कार्य करते भी रहते हैं। और आप क्या योजना बना रहे हैं अपने साथियों के साथ? सर देखिए जो आज यो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, इसकी जो अपने कुलदीप मास्टर जी है, प्रधान जी रमेश, दीपक, सारे के सारे जितने साथी हैं जी जी, उनकी सहयोग से आज ये इतना बड़ा जो कैंप है वो लगाया गया। और एक रक्तदान का ऐसा महादान होता है, आज जिस परिस्थिति में आज चल रहा है, कोरोना का दौर है जी, किस टाइम किस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए पूरी टीम ने मैं निर्णय लिया कि आज इस कैंप के माध्यम से हम लोगों को ब्लड डोनेट करें, और एक जरूरतमंद को जिसको जरूरत है ब्लड की उसको तक राहत पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। आपका? मेरा विनोद भारती नाम है। ये आप उत्तराधिकारी का? हाँ ये हमारा प्रधान जी है, उत्तराधिकारी। ये इस तरह से घुमा दिया, ये डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ चेक किया जाता है, बाकायदा सैंपल चेक करके ये बताया जाता है कोई रोग आदि तो नहीं है, उसका ग्रुप चेक किया जाता है आज भी। और इस तरह से एक बार फिर, हाँ भाई क्या नाम है? जितेंद्र जी। अच्छा डरता तो नहीं? ना जी। चक्कर चक्कर? ना जी। कई तो ऐसा होते हैं नाम लेते ही चक्कर आ जाता है ब्लड डोनेशन का, लेकिन ये यहाँ ऐसा नहीं है। कैसा फील कर रहा है लड़के? अच्छा प्रवीण कुमार जी। अरे अच्छा बारी जी तो कित नमस्कार, कितने यूनिट ब्लड अब तक हो चुके हैं? आप पीछे कितने यूनिट हो चुके होंगे अब तक? लगभग 40 हो गए होंगे। 40 यानी 40 यूनिट हो चुके हैं, और अभी तो मेरे ख्याल से 12 बजे होंगे, और क्या नाम है? अमित कुमार। अमित ब्लड डोनेट किया, रक्तदान किया? हाँ मास्टर जी, हाँ मास्टर कर दिया। हाँ कैसा लगा? ना लगे अभी, तैयारियाँ चल रही है। कितनी बार देखे आपसे पहले? दो बार किया है, तीसरी बार ये है। कोई दिक्कत नहीं होती? ना ना, ना।
उधर वो एक छोटा टेंट लगाया गया है, बाद में वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे और जो चीफ गेस्ट होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे उनको जूम करके दिखाओ, छोटे छोटे डांस कर रहे हैं। जहाँ पर फल फ्रूट वगैरह तैयार किए जाते हैं और कमेटी सदस्य जूस बना करके अंदर भेजते हैं। तो इसी प्रकार की अपडेट वीडियो के लिए देखते रहिए हरियाणा चेतना न्यूज़। मिलते हैं नई सूचना के साथ, नई रिपोर्ट के साथ। तब तक ले जाते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।